करना क्यों जरूरी है, अर्था समेत बाणी क्यों पढ़नी है, इसका सानू ज्ञान होना चाहिए। तो सतगुरु जी कहते अभ्यास करिए, आदत बनाइए कि असि सतगुरु की बाणी सुनना है। हुण कई बार सतगुरु जी कहते पूजा की है, उन्हें कहा सतगुरु जी मैनूं दसो यही रब की पूजा है, पर असी ये पूजा छड़ के वो दूजी पूजा करन लगते। सानू भी नहीं पता दी पूजा, पर कदी समझन दा जतन कीता कि रब दी पूजा की है ते रब दी पूजा करनी किवें है। बाद विच बाहर जांदा है, पहले शीशे सामने खड़ा होके अपने आप नू सवारदा है। करना आचरण नू उपर रखना ही पूजा करना रब दी, पर इस गुण नू अपने अंदर बसाइए। मेरे बाबे नानक दी बाणी ने ही दस दिता कि किवें परमेश्वर दे गुरु दे दर्शन। पर मेरे मालिक ने कहा जे रब दी बनाई हुई मूर्तियां नाल तां तू भाई मूर्त जिहड़ी है ओहदे अगे जिहनूं कहा भाई एको है, भाई एको है साहिब मेरा एको, इक दे बाणी इक बाणी इक गुर बाणी कहिंदी साल ग्राम। इस शब्द विच की समझा रहे हो, बिप पूज बनावे नाम, परमेश्वर का नाम ध्याना ही पूजा है, नाम तो बिना और कोई तरीका है ही नहीं। हुण ब्राह्मण की करता है, उस नदी विचों वो पत्थर लिया के उसकी पूजा करता है। जेडे पत्थर पूजक होंदे ने सतगुरु ने क्या पता कौन हे ब्राह्मण कदी ता तेरे जीवन का आधार होवेगा। असी सतगुरु की बाणी नूं पहले सुनना, सुन करके जिहड़ा महाराज ने लिखिया, महाराज कहिंदे साल ग्राम बिप पूज मनावो। आपां जदों घरां विच तुसीं देखो सारे ने आईने रखे, शीशे रखे हुए हन, बंदा